बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताती हूँ हैदराबादी चिकन तहरी कैसे बनाते हैं। चिकन तहरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1.5 किलो चिकन ले रही हूँ। मैं इसे अच्छे से वॉश करके रखी हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ले रही हूँ और पुदीने के पत्ते ले रही हूँ। 250 ग्राम दही ले रही हूँ। 100 ग्राम प्याज ले रही हूँ, मैं इसे इस तरह से काट कर रखी हूँ। 1 लेमन ले रही हूँ। 1/2 किलो टमाटर ले रही हूँ, मैं इसे भी इस तरह से काट कर रखी हूँ। यहाँ पर 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ। यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी ले रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर 1/2 टीस्पून टेस्टिंग पाउडर ले रही हूँ और 10 ग्राम ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल को मैं अच्छे से वॉश कर इसे इस तरह से भिगा कर रखी हूँ। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी इसमें। 1 टेबलस्पून मैं चावल में डालने रखूंगी। 1 लेमन जो मैं आपको बताई थी, मैं उसका इस तरह से रस निकाली हूँ, इसे भी ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। टेस्टिंग पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। यहाँ पर मैं दही को अच्छे से फेंट ली हूँ। अब मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं चिकन में सारे मसाले मिला चुकी हूँ। अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैं जो ऑयल ली थी, 200 ग्राम ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी। ऑयल गरम होने के बाद यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी। 3 तेज पत्ते, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 5 लौंग ले रही हूँ और 5 इलायची और 3 ये साइज के दालचीनी के टुकड़े ले रही हूँ। अब मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। और जो मैं आपको प्याज बताई थी, 100 ग्राम प्याज कटी हुई, मैं इसे भी ऐड कर दूंगी। मैं इसे फ्राई करूंगी। अब प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, और जो हरी मिर्च ले रही हूँ उसे इस तरह से काट ली हूँ। इसे भी ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी, कटे हुए टमाटर। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
मैं इसे हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से भून लूंगी। अब मैं फ्लेम लो पर रख दूंगी और इसे 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मेरे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। आप देखिए टमाटर सारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा भून लूंगी। मैं इसे 5 मिनट्स भून चुकी हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रखकर इसे कवर कर दूंगी। अब 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी अदहन के लिए। मैं इसमें 3 लीटर पानी ऐड करी हूँ। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे हाई फ्लेम पर रखूंगी। इसके अंदर मैं 2 पिंच ऑफ कलर ऐड करी हूँ, केसर येलो कलर। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी और फिर से इसे कवर कर दूंगी। अब अदहन आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें सारे चावल डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे मिक्स भी कर ली हूँ। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। मैं इसे बीच बीच में इसी तरह से चकरते रहूंगी। अब इसमें का पानी सूख चुका है। मैं इसे 5 मिनट्स के लिए लो पर रख दूंगी दम के लिए। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं मेरी तहारी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं मेरी चिकन तहारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।